अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? मेरे खैरियत से ठीक ठाक है। गाइस, एक नात है आपके सामने, अर्ज करता हूँ, यहीं पढ़ता हूँ। वरफाना लक जिक्र, वरफाना लक जिक्र, तेरी खुशबू। नहीं बना पाए इस हिसाब से, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द से बना दे, नहीं तो अगली दफ़ा के नेक्स्ट टाइम के लिए। तो गाइस, आज 12 पीपल को चार नज़र आ गया। बहुत सी जगह बहुत से लगे हैं कि नहीं आए, कोई मसला नहीं। आज चार नज़र आया, जब वीडियो बन रही कल आ जाए शायद वो, यानी चांद तो नज़र आ ही गए, तो महीने भी स्टार्ट हो गए इस तरह। तो 12 पीपल के हवाले से गाइस, आप लोग है ना 12 पीपल मनाएं, कोई मसला नहीं। हमारे नबी का महीना है, हमारी नबी की, और आप लोग है ना नमाज़ों की पाबंदी करें साथ साथ, क्योंकि हम रबीउल के महीने में इतना भी हो जाते हैं ज़्यादातर कि बंदा नमाज ही छोड़ देगा, बात में पढ़ लेंगे कज़ा कर लेंगे, ऐसे नहीं। नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, हमें है ना अपनी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी उनके, हम नबी की अपनी उम्मत है, उम्मत ही है, तो हमें है ना उनका ख्याल रखना चाहिए कि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हमारी उनकी ऐसे, हमारी ऐसे उनको तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि वह ना अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे और उनकी या ना सुन्नत पर अमल करेंगे उनके तरीक़ेकार पे, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है दुनिया के लिए और आखिरत के लिए भी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमें सुन्नत पर अमल करें, नहीं भी वो मतलब नियत करें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक अता करे सबको। कहने का मतलब ये है कि 12 पीपल के हवाले से कि आप लोग नमाज की पाबंदी करें, ना 12 पीपल ज़रूर मनाएं, हमारे नबी का महीना है, ज़रूर आप मनाएं। और साथ साथ आपको नमाज भी पढ़ें, नमाज भी पढ़ेंगे इस दफ़ा इंशाल्लाह, और बाद जमात पढ़ें, इनफरादी नहीं चलेगी इस दफ़ा, इनफरादी भी वगैरह हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन आपको कोशिश करनी नमाज पहली बात तो छोड़नी नहीं है, इनफरादी भी पढ़ लें, एक कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप है ना इनफरादी से, अगर जमात हो तो ज़्यादा सही है, नहीं तो नमाज ना छोड़ें, नमाज आदि पढ़ें, कोई सी भी 5 टाइम ज़रूर पढ़ें, और ज़रूर इसी महीने 12 अप्रैल को मैंने पूरे साल के लिए अपने आप को अल्लाह ताला से दुआ करें और नियत रखें कि मैं इंशाल्लाह मैं पूरे साल नमाज़ पढ़ूंगा इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी भर। इसलिए नमाज के अपने आप को पाबंद बनाएं, क्योंकि आप सल्लम की आँखों की ठंडक है, और नमाज़ के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं दुनियावी भी और आखिरत के लिए भी। तो कहने मतलब कि हमें नमाज़ को है ना नमाज लाजम पढ़ना है, और साथ साथ जिक्र अस्कार भी करना है, दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ें। आसो जलम की आपको कहते हैं ना गुलदस्ता है क्या, जब बंदा एक आपका एक उम्मत ही जब ना मफ़ूम पेश कर रहा हूँ, गलती ना हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, कि अगर एक आपको उम्मत ही जब दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो उसको समझे एक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़रिश्ता लिख ही जाता है और उनको पेश करता है, आपकी एक उम्मती ने आँखों पर दुरूद शरीफ पढ़ा, तो वो है ना गुलदस्ते की तरह पेश होता है। बहुत से है ना रिवायतों में ये है, यानी और मैं इकराम कहते हैं, मैं तो नहीं कह सकता, अल्लाह माफ़ करे, हम तो आम का गुनाहगार इंसान। तो कहने का मतलब कि हमें दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ना चाहिए, नमाज़ की पाबंदी करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नमाज़ें बहुत छोटी हैं, जैसे कि आजकल की जैसे महंगाई चल रही है, हर कोई है ना दुनिया में लगा, दुनिया 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 में भी लगे हैं, लेकिन साथ साथ अपनी आखिरत की भी फिक्र करें और नमाज़ों की पाबंदी करें, ठीक है, अच्छी तरह वजू करें। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर नमाज़ का टाइम हो रहा है और अगर नहीं भी हो, अगर जिस टाइम में देखें नमाज़ की पाबंदी लाजमी करें, मेरा तो ये कहना है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन इसमें दीन में अपनी मर्ज़ी नहीं चलती, भले के लिए उसके लिए। तो हमारे व्यूल के हवाले से इंशाल्लाह व्लॉग आने वाले हैं, वही फिक्र रहे, वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बनाने की, माना कि हमारा अच्छी तरह जो आपके सामने ही है, पेट्रोल कितना महंगा हुआ, घर चीज़ महंगी हो गई, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, VIP व्लॉग बनाएं, जाएंगे जगह को दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। और अभी नीम गली की हम ना वीडियोस बनाएंगे, तो उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और 12 अप्रैल के हवाले से वीडियो आने वाली है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नमाज़ों को अपने वक्त पर अदा करें इंशाल्लाह। आप लोग नियत करें, मैं भी नियत करता हूँ, मैं मुझसे भी छोड़ जाते हैं, हम भी एक इंसान ही है, कोई फरिश्ता ही नहीं, लेकिन नियत करें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा, ओके, अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को लाइक करें।